जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर, राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। देवपुर जिले के खेरवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत जलपका के माल गांव के ग्रामीणों को इन दिनों भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2008 में बनी रोड इन दिनों पूरी तरह से टूट चुकी है और इस गांव के ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिला को जोली में या बरसात के मौसम में खटिया पर निजी जीप में डाल के ले जाना पड़ता है। 108 एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो वह भी रोड खराब होने की वजह से 5 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाती है। वहां तक बीमार व्यक्ति को जोली में डालकर ले जाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सुध नहीं ली गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आजादी के बाद में यहाँ जो एक आदिवासी गांव है, ये यहाँ आधारभूत सुविधा के लिए तरस रहा है। आज भी यहाँ 108 एम्बुलेंस आने से कतराती है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर यहाँ इस गांव में कोई भी बीमार हो जाता है या गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो यहाँ निजी वाहनों से ले जाना पड़ता है। यहाँ जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो लोग यहाँ जोली या खटिया में डाल के यहाँ तक लाते हैं और इसके बाद यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। भाई आप बताओ, यहाँ आपके ये समस्या कब तक, कब से है और रोड बना है तो इस रोड की क्या अभी स्थिति है? स्थिति बिल्कुल, रोड टूट गया है बिल्कुल नीचे से, प्लस इसके बाद 2007-08 में बना हुआ है, इसके बाद न रिपेयरिंग हुआ है, न कोई देखने आ रहा है, न कोई सरपंच आ रहा है, न कोई MLA आ रहा है। तो आपने उनको बताया नहीं क्या? सब जगह रिपोर्ट करी है, सब जगह मतलब रिपोर्ट दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मतलब हमारी समस्या। मेरा नाम शिल्पा है और गांव मार, और हमें समस्या तो बहुत है। जो बीमार हो जाते हैं लोग उनको जोली में ले जाते हैं, और जो राशन का लाना पड़ता है वो भी हम सिर पर पकड़ कर लाते हैं, और हमें महिला को बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। इस रोड की वजह से कोई सुविधा नहीं है हमारी, और गर्भवती महिला होती है तब बहुत सारी समस्या, कोई 108 नहीं आती है इधर रोड की वजह से, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है।